गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू अ वेल्दी प्रॉस्परस एंड अ हैप्पी गणेश चतुर्थी. गणपति बप्पा मोरिया. ओके, आज हम अपने टॉपिक पर आते हैं. कल हमने क्या स्टार्ट किया था बेटा? कल हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था. तो चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको क्या बताया था? कल हमने सेल एंड सेल साइकिल स्टार्ट किया था. थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं टॉपिक के बारे में, वापस रिकैप कर लेते हैं. तो हमने क्या देखा था अपने चैप्टर के अंदर? मैंने आपको बताया था कि हम अपने अराउंड बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. हम लिविंग थिंग्स भी देखते हैं और हम क्या देखते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स भी देखते हैं. तो ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या थिंग है जिस बेसिस पर हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट करते हैं? ओके, तो मैंने आपको बताया था वो बेसिस कौन सा है? सेल. तो मैंने आपको बताया था व्हाट इज अ सेल. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. ठीक है, इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. ओके, फिर हम सबसे पहले आपने देखा था कि हम हिस्ट्री पर गए थे सेल की. हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था? मैंने आपको साइंटिस्ट के नाम बताए थे. तो मैंने आपको क्या बताया था? एंटोनी वॉन लियोनहुक नाम के साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा था. ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट आए थे. तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल को देखा था. कौन से में? पार्ट ऑफ कॉर्क में देखा था. ठीक है, प्लांट पार्ट ऑफ कॉर्क. उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि उसके बाद हमने देखा था कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, सेल थ्योरी देखी थी. सेल थ्योरी के अंदर मैंने आपको दो साइंटिस्ट के नाम बताए थे, सिल्डन एंड स्वांट. एक जन बॉटनिस्ट था और एक जूलॉजिस्ट था जिन्होंने मिलकर सेल थ्योरी दी. और उन्होंने कुछ सेल थ्योरी के पॉइंट्स दिए थे. फॉर एग्जांपल, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. तो यहाँ तक कल हमने किया था. ओके, तो मैंने आपको क्या बताया था? ये जो सेल है, ये जो सेल एंड सेल साइकिल का टॉपिक है, आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो मैं बहुत हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर के. आगे हम क्या देखेंगे चैप्टर के? आगे हम देखेंगे कि हमने सेल स्ट्रक्चर, हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ सेल ले लिया, फिर हमने हिस्ट्री पढ़ी. अब हम क्या पढ़ेंगे? सेल का स्ट्रक्चर, कि आखिर सेल का स्ट्रक्चर कैसे होता है. ठीक है, उसके बाद हम टाइप्स पढ़ेंगे. इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम टाइप्स की बात करें तो दो तरह की सेल्स होती है. एक होती है यूनिसेलुलर सेल, दूसरी कौन सी होती है? मल्टीसेलुलर सेल. अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं? जो कि केवल एक सेल के बने हुए होते हैं. यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय कैसे होते हैं? जो कि केवल एक कोशिका के बने हुए होते हैं. और दूसरे होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो कि क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स के बने हुए होते हैं. ठीक है, तो ये हम देखेंगे. हम सेल के टाइप्स भी देखेंगे, प्रोकैरियोटिक देखेंगे, यूकैरियोटिक देखेंगे. बट बिफोर गोइंग इन डिटेल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द बेसिक ऑफ अ सेल स्ट्रक्चर. ओके, सबसे पहले ये क्या है? ये बेसिक डिटेल है सेल के बारे में, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो हम सेल के स्ट्रक्चर को देखें. ठीक है, अगर हम सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो मेनली वो तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट क्या है? सेल बाउंड्रीज. सेकेंड इज द साइटोप्लाज्म एंड थर्ड वन इज द न्यूक्लियस. थर्ड वन क्या है? न्यूक्लियस है. ठीक है, सेल बाउंड्री, नाम से ही पता लग रहा है बाउंड्री. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाउंड्री? बाउंड्री का मतलब क्या होता है? जो हमें किसी चीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है. ठीक है, तो ऐसे ही सेल है. सेल के अराउंड बहुत दो बाउंड्रीज होती है मेनली. फर्स्ट इज द सेल वॉल. फर्स्ट कौन सी होती है? सेल वॉल. जैसे हमारे घरों के अंदर राउंड वॉल होती है, ऐसी क्या होती है? सेल होती है जिसके अराउंड क्या होती है? वॉल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वॉल. हिंदी में क्या कहेंगे सेल वॉल को? कोशिका भित्ति. ओके, दूसरी क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है. तो सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल के बाद कौन सी मेम्ब्रेन होती है? सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन को हमने क्या बोलते हैं? हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी हम बोलते हैं. ठीक है, तो और मैंने आपको क्या बताया था कि है ना, सबसे पहले जो रॉबर्ट हुक है, रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? रॉबर्ट हुक ने देखा था लिविंग, सबसे पहले डेड सेल को देखा था. तो उसके अराउंड ही मैंने आपको बताया था, एक्चुअली उसने सेल मेम्ब्रेन को देखा था. तो उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? इन दोनों के बीच में, इनके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है कि सेल वॉल इज अ डेड सेल. इट इज अ नॉन लिविंग पार्ट. इट इज अ नॉन लिविंग पार्ट एंड इट इज अ लिविंग पार्ट. इन दोनों के बीच में यही डिफरेंस होता है. जो सेल वॉल होती है,
that was a non-living part and self membrane is a living part of cell. Okay? फिर हम आते हैं साइटोप्लाज्म। मैंने क्या बोला था, वर्ड को ब्रेक करके पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। साइटो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइटो? साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्मा यानी प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड, यानी सेल के अंदर जो भी लिक्विड लाइक फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो जैसे इसमें भी बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनेल्स? देखिए, हमारी सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं। हर पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है, तो सेल ऑर्गेनेल्स का काम क्या होता है, ये अलग अलग फंक्शंस काम करते हैं। तो बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो कि किसी भी सेल को बनाने का काम करते हैं। जो सेल एक तरह से फंक्शन करती है वो इन्हीं ऑर्गेनेल्स के कारण करती है। ठीक है, एक वर्ड और आता है, आप देखोगे साइटोप्लाज्म। मैंने क्या बताया, जो सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। एक वर्ड आप और देखोगे, दैट वाज अ साइटोसोल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ साइटोसोल? साइटो का मतलब सेल, सोल का मतलब लिक्विड, यानी जब सेल में से हम सारे ऑर्गेनिज्म को रिमूव कर देते हैं फिर जो फ्लूइड बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, साइटोसेल बन जाते हैं। ठीक है, और इससे भी पहले हम देखेंगे, साइटोप्लाज्म से पहले क्या आता है, प्रोटोप्लाज्म आता है। क्या आता है? प्रोटोप्लाज्म आता है, यानी प्रोटोप्लाज्म आता है सेल के अंदर फ्लूइड, यही दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, साइटोप्लाज्म। और तीसरा क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस। क्या होता है तीसरा? न्यूक्लियस। और इसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लास्ट। एक एक चीज आपकी में डिटेल में आएगी, अभी ओनली बेसिक मैं आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या स्ट्रक्चर हम सेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो हाँ, मैंने क्या बताया, साइटोप्लाज्म और साइटोसोल के बीच में व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द साइटोसोल। साइटोप्लाज्म यानी सेल के अंदर जो भी फ्लूइड है विद ऑर्गेनेल्स। ओके, एंड व्हाट इज द डिफरेंस विद साइटोसोल? क्या होता है साइटोसोल, यानी जब हम सारे सेल ऑर्गेनेल्स रिमूव कर देते हैं सेल में से तो उसको हम क्या कहते हैं, साइटोसोल। ठीक है, आते हैं थोड़े पार्ट पर। तो अगर हम साइटोप्लाज्म को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य। क्या बोलेंगे? कोशिका द्रव्य। वहीं पे अगर सेल वॉल को मैंने आपको हिंदी में क्या बताया था, हम कोशिका भित्ति बोलेंगे, वहीं पे सेल मेम्ब्रेन को हम हिंदी में क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। ठीक है, अब हम सेल ऑर्गेनेल्स के नाम बताते हैं। सबसे पहले क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में भी माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है, इसे हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, ये एनर्जी इसको मिलती है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत बार आपके जेट या नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, दैट वन इज अ माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, सेकेंड आता है पार्ट, गोल्जी बॉडीज। हिंदी में क्या बोलते हैं, गोल्गी काय बोलते हैं हिंदी में। तो गोल्जी बॉडीज का क्या फंक्शन होता है, ये सीक्रेशन का काम करती है, बाद में देखेंगे किसकी सीक्रेशन का काम करती है। थर्ड वन इज ए लाइसोजोम्स। थर्ड वन इज ए लाइसोजोम्स। लाइसोजोम्स को हम एक नाम से और बोलते हैं, इट इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल। मैं आपको यहाँ पे इसीलिए इनके नेम बता रही हूँ अलग से, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल, यहीं पे याद करेंगे। लाइसोजोम्स क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। बताऊंगी क्यों कहते हैं इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल, जब डिटेल में आएंगे। इसके बाद आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। हिंदी में क्या बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को? अंतर्द्रव्य जालिका। क्या बोलेंगे? अंतर्द्रव्य जालिका बोलेंगे। वहीं पे हम लाइसोजोम्स को क्या बोलेंगे? लवण काय। लवण काय बोलेंगे। और एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को अंतर्द्रव्य जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का भी फंक्शन देखेंगे, दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। लिपिड का सिक्रीशन करने का काम करती है। इसके बाद हम देखेंगे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आपने बहुत नाम सुना होगा क्लोरोफिल का, क्लोरोप्लास्ट का, मेनली प्लांट्स के अंदर ही होते हैं, जो कि कलर देने का काम करते हैं प्लांट को। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं? मेनली प्लांट्स के अंदर होते हैं। इसके बाद क्या होते हैं? सीलिया और फ्लैज।
फ्लैजिला। सीलिया फ्लैजिला क्या होती है? मूवमेंट के लिए काम आती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहते हैं राइबोसोम्स को। और जो राइबोसोम्स है यहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। आएंगे डिटेल में एक एक के बारे में। तो मैंने आपको क्या बताया, सेल ऑर्गेनिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल ऑर्गेनिस। सेल ऑर्गेनिस का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिस होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन का काम करते हैं। फर्स्ट इज द माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ सेल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी देने का काम करता है। दूसरा होता है गॉल्जी बॉडीज, सीक्रीशन का काम करती है। लाइसोजोम्स, क्या बोलते हैं इसे, सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड्स कलर देने का काम करते हैं। सीलिया फ्लैजिला और राइबोसोम्स, राइबोसोम्स को हिंदी में भी हम क्या कहते हैं, राइबोसोम्स ही कहते हैं। क्या मेन फंक्शन होता है इनका, प्रोटीन का सिंथेसिस करने का काम करते हैं। और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी बोलते हैं। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, केंद्रक। सेल के बिल्कुल सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। प्लांट और एनिमल सेल में इसकी जनरली पोजीशन थोड़ी डिफरेंट होती है। प्लांट सेल में न्यूक्लियस थोड़ा साइड में होता है क्योंकि बीच में उसकी जगह कौन घेर लेता है, वैक्यूल। और एनिमल सेल में बिल्कुल ये सेंटर में होता है, ठीक है। न्यूक्लियस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी के कारण कॉन्टिन्यूटी बनी हुई रहती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की। इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर क्रोमोजोम्स होते हैं, डीएनए पढ़ेंगे, क्रोमोजोम्स के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की कॉन्टिन्यूटी को बना के रखता है, ठीक है। और एक चीज और, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, हम डायग्राम्स के थ्रू इन्हें समझेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया कि सेल स्ट्रक्चर का एक बार हम देख लेते हैं। हमने देखा सेल बाउंड्रीज, सेल बाउंड्रीज के अंदर हमने सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को देखा। उसके बाद हमने क्या देखा, साइटोप्लाज्म देखा। साइटोप्लाज्म के अंदर हमने क्या देखा, सेल ऑर्गेनिस को देखा, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्जी बॉडीज, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड, सीलिया, फ्लैजिला, राइबोसोम्स और भी बहुत होते हैं, माइक्रोसोम्स होते हैं, सेंट्रोसोम्स होते हैं। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वैक्यूल होता है जो कि प्लांट सेल में होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे साइज एंड शेप ऑफ सेल। अगर साइज एंड शेप ऑफ सेल के भी आए तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस होता है। तो जाहिर सी बात है कि हर सेल डिफरेंट होगी, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसकी साइज भी डिफरेंट होगी और उसकी शेप भी डिफरेंट होगी। ये मैंने क्वेश्चन इस हिसाब से लिख रखे हैं जो कि आपके कॉम्पिटिशन में आ रखे हैं, जेट में, नीट में और काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आते हैं, तो हम याद करेंगे। सबसे पहला आता है स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटी सेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा की। किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा की होती है, कितने, 0.3 म्यूमीटर के अंदर वो होती है, ठीक है। माइकोप्लाज्मा का ही एग्जाम्पल है PPLO, दैट इज PPLO, प्लूरोनिमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म। यही की यही पे याद करना हमें, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा। क्या लेंथ होती है, 0.3 μm, और इसका एग्जाम्पल क्या है, PPLO, प्लूरोनिमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म, ओके। सेकेंड इज द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरियल सेल की लेंथ कितनी होती है, 3-5 μm डायमीटर होती है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लार्जेस्ट सेल, आपने पढ़ा भी होगा, लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, ओस्ट्रिच एग। किसकी होती है, ओस्ट्रिच एग। और आरबीसी जो ह्यूमन की रेड ब्लड सेल्स होती है उनका लेंथ क्या होती है, 7.0 μm डायमीटर। और नेक्स्ट वन इज अ लॉन्गेस्ट सेल, दैट वन इज अ नर्व सेल जो कि हमारे ब्रेन के अंदर होती है। डिफरेंस देखेंगे, व्हाट इज द, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट के बीच में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे लार्जेस्ट सेल पूछे तो आप किस पे टिक करेंगे, ऑस्ट्रिच एग पे। अगर आपसे लॉन्गेस्ट सेल पूछे तो आप किस पे टिक करेंगे, नर्व सेल पर, ठीक है। तो हमने क्या देखा, साइज एंड शेप ऑफ सेल देखा, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, माइकोप्लाज्मा, 0.3 μm डायमीटर होती है। एग्जाम्पल क्या देखेंगे, PPLO, प्लूरोनिमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म। दूसरी कौन सी है, बैक्टीरियल सेल होती है, 3-5 μm डायमीटर। लार्जेस्ट सेल यानी लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी सेल होती है, ऑस्ट्रिच सेल, आरबीसी, 7.0 μm डायमीटर। एंड
एंड लॉन्गेस्ट सेल दैट वाज अ नर्व सेल व्हिच वाज फाउंड इन आवर ब्रेन, ब्रेन के अंदर मिलती है। तो मैंने आपको क्या बताया, आज हमने थोड़ा सा सेल स्ट्रक्चर का बेसिक देखा, साइज एंड शेप, इसके आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। हम अब क्या देखेंगे कि सेल के बेसिस पर, यानी सेल किस बेसिस पर दो तरह की होती है, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर सेल, ठीक है। तो हम देखेंगे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर सेल देखेंगे। देखिए अगर हम सेल के देखें तो दो तरह की होती है, फर्स्ट होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कौन से होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे कौन से होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हिंदी में क्या बोलेंगे, एक कोशिकीय और बहु कोशिकीय, ओके। यूनिसेलुलर नाम से ही पता लग रहा है, यूनि मतलब केवल सिंगल, ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच इज मेड अप ऑफ, विच इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, ओके। एग्जाम्पल क्या होता है इसका, बैक्टीरियल सेल, क्या होती है बैक्टीरियल सेल, ओके। दूसरे आते हैं मल्टी सेलुलर, मल्टी यानी बहुत सारे, विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, ओके। इसके एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, ओके। तो हमने, मैंने क्या देखा, सेल दो तरह की होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं केवल एक सेल होती है। एक सेल का मतलब क्या है, एक ही सेल होगी वो सारे फंक्शंस करेगी, सारे सेल ऑर्गेनिजम्स इसमें होंगे और वो सारे फंक्शन केवल एक ही सेल करेगी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल के बने हुए होते हैं, जिसमें क्या होंगे, हर एक सेल अलग अलग, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे, अलग अलग काम करेगी, ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। कल हम देखेंगे सेल के दो पार्ट और देखेंगे और डायग्राम भी देखेंगे, डायग्राम से ही मैं आपको समझाऊंगी। एक तो हम कल देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड द यूकैरियोटिक सेल, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल।